हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा है, हम भी अच्छा है। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टीएच कुकिंग। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं गोभी 65। बनाने के लिए हम लोग ले लिया गोभी, और गोभी को अभी अच्छा से ऐसा साफ कर लेंगे। ऊपर जो काला काला स्पॉट है उसको हम ऐसा निकाल लेते हैं, निशान को ऐसा उठा लेते हैं, जो दाग हुआ लगा है ऐसा पूरा साफ कर देते हैं। ऐसा साफ करके हम बाद में उसको कटिंग के लिए देते हैं। दोस्तों अभी हमारा गोभी वो कर दिया, अभी हम गोभी को कटिंग लगाते हैं। तो कटिंग लगाने का टाइम पे हम ऐसा कटिंग करेंगे, ये अभी हम ऐसा काट के निकाल देते हैं, जो काला वो है ऐसा काट के हम निकाल लेते हैं उसको। तो अभी काटने का टाइम पे ऐसा काटने का, हमें सब्जी की तरह नहीं काटना है, अभी उसको बीच में एक ही काट लगा, हमको ज़्यादा छोटा साइज नहीं करना है ऐसा, क्योंकि गोभी 65 बनाने के लिए हमें ये परफेक्ट साइज है, ऐसा रहना चाहिए, एकदम बराबर साइज हो गया। ऐसा हम बीच में उसको काट लेंगे, जो बड़ा साइज है और जो ऐसा साइज है उसको कटिंग करने का जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारा फ्लावर कटिंग रेडी हो गया, उसको हम पानी से अच्छे से वॉश भी कर लिया। अभी हम उसका मसाला तैयार करते हैं, मसाला तैयार करके आपको फिर दिखा रहे हैं हम मसाला कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों अभी हम मसाला बनाने के लिए, गोभी 65 का मसाला बनाने के लिए हम लोग ले लिया ऐसा एक टब ले लिया, और अभी टब में हम ले लेंगे मैदा, थोड़ा सा मैदा ले लेता हूँ, जैसा आपका 150 ग्राम हिसाब का मैदा ले लिया हमने। अभी हम मैदा में ऐड करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम डायरेक्ट मैदा में ऐड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, जैसा ऐसा 3-4 स्पून छोटा स्पून से। और अभी हम उसमें ऐड कर देंगे, पहले हम ऐड करेगा धनिया पाउडर 1 स्पून जैसा, और बाद में हम ऐड करेंगे उसमें हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम उसमें कलर भी ऐड करूँगा। और हम उसमें नमक ऐड करते हैं, नमक ऐड करने के बाद हम उसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। गरम मसाला हम ऐड कर दिया, अभी हम किचन किंग थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, हम किचन किंग भी ऐड कर दिया। अभी हम उसमें ऐड करते हैं सनफ्लावर, हम उसमें अभी कॉर्नफ्लावर ऐसा मैदा जितना डाला है इससे थोड़ा कम हम कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं। अभी हम हमारा कॉर्नफ्लावर भी पानी ऐड करके उसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर देने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसीलिए उसको अच्छे से हम उसको इतना गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं है, गिर गया इतना गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं, ऐसा एक मीडियम साइज का हम उसका पेस्ट बनाना है। और बाद में हम उसमें ऐड करते हैं कलर, तो उसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा, हम और थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं उसमें। तो अभी हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं अजीना मटर हम ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अभी हम उसको अच्छा से मिला लेते हैं उसको, एकदम ऐसा अभी जैसा पतला है ऐसा पतला से एकदम वो करके मिलाना है। और अभी हम उसमें फूड कलर थोड़ा ऐड कर देते हैं, फूड कलर ज़्यादा नहीं ऐड करने, वो रेड वाला फूड कलर मैं ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा हम फ्लावर उसमें वो जो पेस्ट हम लोग कॉर्नफ्लावर मैदा का बनाया था ऐसा हम सब फ्लावर को वो किया, ये देखो ऐसे इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे पतला भी नहीं और वो भी नहीं, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो पकड़ा जैसा हो जाएगा, और पतला करोगे तो उसमें लगने फ्लावर में वो नहीं लगेगा, इसीलिए हम अभी उसको तेल में डालते हैं। दोस्तों ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है हमारा, ऐसा भाजी करना है उसको, जब तेल में फ्राई करेगा तब डीप फ्राई करना और ऐसा करना। अभी देखो हमारा पूरा कड़क भी हो गया और पाक भी गया, क्योंकि हम लोग गैस का फ्लेम लो रखा है, लो टू मीडियम, मतलब इतना हाई भी नहीं और लो भी नहीं, ऐसा मीडियम रखा है हम लोग, तो ऐसे मीडियम रखने का है। दोस्तों अभी हम उसको गोभी 65 को हमारा फ्राई हो गया, अभी उसको हम तड़का लगाना है, तो तड़का लगाने के लिए हम पहले कढ़ाई में ले लेते हैं तेल। हाँ हमारा तेल ले लिया, अभी हम तेल में ऐड करूँगा अदरक लहसुन, ऐसा कटिंग हुआ है अदरक लहसुन कटिंग करके, दोनों एक साथ मैंने कटिंग कर लिया, नीचे अदरक के ऊपर लहसुन ऐसा छोटा छोटा सब कटिंग करके हमें ऐड कर देना है। तो अदरक लहसुन हम ऐड करके उसको थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि जो लहसुन का फ्लेवर है वो निकल जाए। हम उसको 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो ब्राउन कलर नहीं होगा, ब्राउन कलर होने के बाद हम बाकी मसाला ऐड करते हैं। उसको अभी हम ऐड कर देते हैं उसमें 3 कश्मीरी सूखा हुआ लाल मिर्ची, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और ये राई, थोड़ा सा राई हम उसमें ऐड कर देते हैं, ऐड करके अभी हम उसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम कोशिश करना लहसुन और अदरक को ऐसा कटिंग करके देने के लिए, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हम उसमें थोड़ी देर में ऐड करते हैं प्याज, थोड़ी देर हम उसको भून लेते हैं।
अभी हमारा ये बुनना हो गया। अभी हम मैंने तीन प्याज को ऐसा बड़ा बड़ा साइज का कटिंग कर लिया, एक प्याज को ऐसा चार पीस किया है, ऐसा बड़ा बड़ा पीस कर लेना करके, बड़ा होना चाहिए प्याज का, छोटा पीस नहीं। अभी हम उसको ऐड कर देते हैं, प्याज का पीस हमको बड़ा लेना चाहिए। अभी हम इसको अच्छा से भून लेते हैं, अभी बहुत ही ज़बरदस्त अभी तो मेरा निकल गया। अभी हम इसको अच्छे से भून लेते हैं दोस्तों। अभी हमारा प्याज भी पक आधा पक गया। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाला, तो मसाला में हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया क्योंकि प्याज थोड़ा जल्दी पकने के लिए। और हम साथ में उसमें ऐड करूँगा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, हम उसमें मिर्ची पाउडर नहीं ऐड करने वाला। और हम ऐड करूँगा अभी किचन किंग, बस ये चार ही मसाला हमें ऐड करना है उसको, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग, बस वो गरम मसाला हमारा ऐड करना। अभी हम एक मसाला ऐड किया है, अभी दो तीन मिनट बाद हम दो तीन मिनट बोल बोल लेते हैं, बोल के हम उसमें ऐड करूँगा दही, क्योंकि दही में बहुत ही ज़बरदस्त वो आता है, फ्लेवर आता है, इसीलिए हम दो तीन मिनट बाद में दही ऐड कर दूँगा। अभी देखिए कलर कितना मस्त कलर आया है, अभी हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं दही। ये देखिए हम इतना दही ले लिया एक बाउल, छोटा बाउल से हम इसको ऐड कर देते हैं। दही ऐड करिए, दही ऐड करिए, दही ऐड करिए, पता नहीं ध्यान रखना जब तक फ्लेम लो होना चाहिए नहीं तब तक दही फट जाएगा। हमारा दही ऐड कर दिया, अभी थोड़ा हमारा मसाला रेडी हो गया, हम दूसरे में किसी पकड़ लेते हैं पकड़ के हम ऐड कर देंगे। अभी हमारा मसाला पूरा रेडी हो गया, अभी हम उसमें ऐड कर दूँगा अजीना मटर। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं अजीना मटर, देखिए हम अभी अजीना मटर को ऐड कर देते हैं। अभी हम अजीना मटर ऐड कर दिया, मिला लेते अजीना मटर ऐड करके। अभी देखिए हमारा कैसा कलर आया है, अगर हम लोग इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर लेते तो उसका कलर ज़्यादा कड़क हो जाता। ये हमारा तेल में फ्राई किया है कभी उसका सब कलर मैच नहीं होता है। और हम बाद में थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर देते हैं जस्ट फ्लेवर के लिए, हमने थोड़ा मैगी मसाला भी ऐड कर दिया। देखिए ज़बरदस्त हमारा कलर आया है, तो टेस्ट भी ज़बरदस्त ही होगा, अब एक बार जरूर घर पर बना के ट्राई करना गोभी के बाद। अभी हम इसमें गोभी ऐड कर देते हैं, ये देखिए हमारा गोभी कैसा हुआ है, एकदम पूरा अच्छा से फ्राई भी हो गया और कलर भी बहुत ही मस्त आया। तो अभी हम इसमें गोभी ऐड कर देते हैं, हमारा गोभी भी एकदम ज़बरदस्त हुआ है, अभी हम इसको अच्छे से मसाला का साथ मिला लेते हैं दोस्तों। अभी देखिए हमारा गोभी 65 पूरा रेडी हो गया, अभी हम उसको सर्व कर सकते हैं। अभी सर्व करने के लिए पूरा तैयार हो गया, ये देखिए हमारा प्याज भी ऐसा पूरा हो रहा है, अच्छा खासा गला नहीं है, एकदम अच्छा रहा। हमारा गोभी भी एकदम पूरा टूटा नहीं है, एकदम ज़बरदस्त है। तो एक बार जरूर घर पर बना के ट्राई कीजिए, इतना अच्छा रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, एक बार आप ट्राई करना घर पर बना के। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना अच्छा लगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।